जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें NTPC 2020 और 21 में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है। अगर आप लोग इस बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो मास्टर वीडियो बनने वाला है, इसमें 40 से 50 शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग NTPC और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार आप लोग इस बुक को, इस वीडियो को या आप लोग इस बुक को खरीद कर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग यानी इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब से ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेय में फ्रिज उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है, यानी फ्रिज उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ये पिट्यूटरी, ये यानी पतले डंठल से लटकी हुई होती है और ये मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, तो पिट्यूटरी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये नया मुद्रा प्रतीक जो है ये 2010 में अपनाया गया था, और प्रतीक जो कि उदय कुमार दिया था। कौन दिया था? तो उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार दिया था। नेक्स्ट, कामगारों के उस समूह जो उच्च अर्हता प्राप्त हुआ कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है को क्या कहते हैं? तो उसे हम वेतनभोगी कर्मचारी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री, तो ये गुलजारी लाल नंदा थे जो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए? तो ये चंपारण विद्रोह था, जो कि 1917 में नील के विरोध किया गया था, नील खेती के विरोध किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाती है? तो दोस्तों ये हेमोग्लोबिन है। कौन सा है? तो ये हेमोग्लोबिन है। नेक्स्ट, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है, ठीक। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन होता है, तो दोस्तों किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन नाम .government होता है, लास्ट में .government हम जरूर लगाते हैं किसी भी सरकारी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं जितने भी दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये विमेश चंद्र बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यानी अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी था, और इसका स्थापना 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाल की घोषणा की? तो ये भूटान था। कौन देश? तो ये भूटान देश था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट TCP यानी IP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये 368 अनुच्छेद जो है ये संशोधन करने का शक्ति देता है, तो 368 अनुच्छेद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। कहाँ? तो ये अमृतसर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश संबंधित है? तो जुल्लू जनजाति दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका संबंधित है। नेक्स्ट, कौन भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया है? 450 रुपये की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए किया गया। तो दोस्तों ये प्रत्युष कंप्यूटर है जिसकी लागत 450 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक, तो ये शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया, तो ये 1765 को यानी बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी यानी अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट, भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए, तो पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान था भारत का पहला बैंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो डलहौजी द्वारा 1853 को रेलवे की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, वेदों की इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिकी अभिलेख माना जाता है, इसमें शामिल चार वेदों का नाम यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी, तो दोस्तों ये 41वें नेटिव इन्फैंट्री शामिल था, और इसका नायक कौन था, तो इसका नायक मंगल पांडे था। कौन था, तो मंगल पांडे था, इसको ध्यान रखिएगा, और इसी ने सबसे पहले विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको हम नरेगा कहते हैं, ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट, किडनी फेलियोर का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इसे किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। भारत के किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, तो कोच्चि को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान, तो लूना 11 जो था, इसी ने चांद की सतह पर यानी पहला यान उतरा था जो चांद की सतह पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन एक साइबेरिया यानी ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जो जन्मजात टेट्रो एमेलिया सिंड्रोम नामक रोग से ग्रसित है, जिसे चारों पदांग यानी हाथ पैर की अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया गया, तो ये निक बुजुस्की थी। कौन, तो निक बुजुस्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है देखिए, ये 17/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए सारे क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले अगर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस शिफ्ट का प्रथम क्वेश्चन है, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवता जो विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाता है, ते तंजोर पेंटिंग है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है जिसमें हिंदू देवता विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है, तो तंजोर पेंटिंग में। नेक्स्ट, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये 1820 हुआ था, 1820 में बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्त का संचालन हुआ था 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंध के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायत की जाँच कर सकती है, तो ये लोकपाल होता है, तो आंसर लोकपाल हो जाएगा। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल की गई, तो ये सोफिया थी, सोफिया को पूर्ण नागरिकता दी जाने वाली पहली रोबोट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया यानी विकसित किया, तो माल्थस ने विकसित किया। नेक्स्ट, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, तो ये रैम व्हीलर था। नेक्स्ट, 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किया करती थी, तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यानी निःशुल्क LPG प्रदान किया जाता था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, जिसका शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम निर्यात मित्र कहते हैं। नेक्स्ट,
वह कौन सा एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है? तो ये बिच्छू बूटी होता है। कौन पौधा होता है? तो ये बिच्छू बूटी होता है, जिसको हम यानी छू लेने पर दर्द करने लगता है, तो बिच्छू बूटी होता है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो वोल्ट मीटर यानी विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये टोक्यो जापान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो ये NH 44 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों 3700 जो कि 44 इसका टोटल किलोमीटर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई? तो सिंधु यानी मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किया। किसने? तो RD बनर्जी ने किया। नेक्स्ट, भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो सोज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट, भारतीय वर्दीधारी सैनिक को वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान? तो सैनिक को दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन इस धुंधला हो गया है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो कोलकाता में परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, दोस्तों साइक्लोट्रॉन केंद्र ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, राउल किला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये सभी लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसका केंद्र है, लौह और इस्पात केंद्र ये सभी है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा यानी खत्म कर दिया गया था? तो फोर्ट किला का निर्माण के लिए गोविंदपुर गाँव को खत्म कर दिया गया था, उजाड़ दिया गया था। नेक्स्ट, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो ये फ्रुक्टोज उत्तरदायी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मीरा कुमार को नियुक्त किया गया। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को यानी क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। नेक्स्ट, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट NGSLV MK3 को कौन सा उपनाम दिया गया? तो इसका फेट बॉय नाम दिया गया। नेक्स्ट, वह कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? तो ये WHO संगठन है। कौन? तो WHO संगठन है। नेक्स्ट, NH 44 जो कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कहाँ से कहाँ जाती है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जुलाई 2019 को Chandrayaan-2 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसको श्रीहरिकोटा यानी हाई एल्टीट्यूड रेंज से लॉन्च किया गया, यानी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहते हैं? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट है 17/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो स्पार्क फर्स्ट पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। ये मास्टर वीडियो यानी 2 से 3 घंटे का बनेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग NTPC मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो ये 1526 ईस्वी को बाबर ने हराया था। नेक्स्ट, महासागरों की सतह जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में भारत का लगभग कितना योगदान है? तो 25% योगदान है। नेक्स्ट, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो ये 1951 से 1952 में आयोजित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय
में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो बाघा बॉर्डर ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, 2018-19 के मानसून पश्चात अपमानों यानी अनुमानों के अनुसार आधार पर भारत के कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य, तो सबसे बड़ा कॉफ़ी कर्नाटक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक तो शशि थरूर हो जाएगा, जिसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक विजय घाट में स्थित है। नेक्स्ट, कैश यानी कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? तो कैश मेमोरी CPU में स्थित है। नेक्स्ट, हल्दी और अज्वलनशील होने के कारण कौन सी गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए करते हैं? तो हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए करते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन ये वर्ष 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, INSAT-IB को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसको 1983 को प्रक्षेपित किया गया। ONGC किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ऊर्जा यानी ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ONGC आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 18 की अवधि के दौरान लगभग कितने प्रतिशत बाघों की मृत्यु अवैध शिकार और विद्युत के झटके कारण होता है? तो 31% बाघों की मृत्यु अवैध शिकार और विद्युत के झटके कारण होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16 में अवसरों की असमानता की गारंटी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो लसिका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणाली से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रह से डेटा प्राप्त करती है? तो आंसर हो जाएगा इमीजियोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भू आकृति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातत्विक बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? तो 1951 से 52 में यानी मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई किया था। नेक्स्ट, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो उपादान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपादान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हेमलेज का अधिग्रहण किया? तो ये रिलायंस ब्रांड ने हेमलेज का अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट, गूगल के संस्थापक, तो गूगल के संस्थापक लेरी पेज है, तो आंसर लेरी पेज हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य में किसका निर्माण करना है? तो इसका आंसर प्रदूषण मुक्त वातावरण हो जाएगा। नेक्स्ट, आनंदपुर साहिब यानी प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 1973 को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? तो आंसर MS Excel को यानी एक्टिव सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो FAO का पूर्ण रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो ये महात्मा गांधी को जाना जाता है। दोस्तों इसी ने 1942 को यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट, किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सृजित किया था? तो इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सृजित किया था। नेक्स्ट, मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो माइफिया कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो आंसर इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा
कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिजिटल साक्षरता अभियान हो जाएगा, यानी दिशा का फुल फॉर्म डिजिटल साक्षरता अभियान हो जाएगा। 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश है। कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? तो रूस। दोस्तों प्रथम स्थान पर सऊदी अरब हो जाएगा 2018-19 में, और दूसरे स्थान पर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट, फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ, यानी अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट, कोना देश किस देश की मुद्रा है? तो ये क्रोएशिया की मुद्रा कोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 में कि बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसी समय अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष की गई? तो दोस्तों रियो घोषणा 1992 को हुआ था। नेक्स्ट, UN पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन, यानी पर्यावरण कार्यक्रम है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरण की परीक्षण 1998 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये पोखरण में किया गया था। कहाँ? तो पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का चंपारण यानी महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? तो चंपारण ग्रह ये 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत किसकी समस्या के समाधान के लिए किया था? ये बालिका लिंगानुपात में गिरावट के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को भोर घाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आया था? तो ये 1952 से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो ये स्वपोषी पोषण अपनाते हैं जो हरे पौधे को भोजन करते हैं। दोस्तों जो हरे पौधों का भोजन करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, यानी प्रथम श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक तो युवराज सिंह हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सी पशु अक्सर देखा गया? तो ये बैल पशु का अक्सर देखा गया। कौन सी रेल लाइन यानी अरब सागर के समांतर चलती है? तो कोकण रेल अरब सागर के समांतर चलती है। किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाईसिंह भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हॉर्नबिल तो महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था जो कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 18/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, धनुर्वेद युद्धवेद का उपवेद है, इसका संबंध क्या है? तो युद्ध कौशल से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1948 को अस्तित्व में आया था। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा। नेक्स्ट,
भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र कौन है? तो सबसे बड़ा लौह इस्पात जो कि भारत का टिस्को है, जिसका स्थापना 1907 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन शांति सेना को किस वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यूएन शांति सेना को 1988 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों 1857 के बाद यानी वायसराय कर दिया गया था और गवर्नर को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट, ईयू का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना? तो ये चेक गणराज्य बना। कौन बना? तो ये चेक गणराज्य बना। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फतिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन से किस देश का पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यानी भारत के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस विज्ञानी के नाम पर रखा गया? तो ये विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, सल्फाइड के एशको को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में यानी सल्फाइड के एशको अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जाता है? तो भर्जन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो भर्जन विधि द्वारा। नेक्स्ट, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम? तो केंड्रिक लैमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्लेशियर को विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया। नेक्स्ट, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो शिलोंग यानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोट यानी पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था नोटा का? दोस्तों नोटा का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो 2013 को नोटा का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट, एक कौन सा एक कोशिकीय जीव कला यानी कालाजार नामक रोग के कारण होता है? तो कालाजार लेसमिनिया नामक रोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुआ। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है अक्टूबर में, लेकिन अब जो दोस्तों ये हुबली हो गया है। कौन हो गया? अब हुबली हो गया है जो कि 1300 कुछ किलोमीटर है। इससे पहले गोरखपुर था जो कि 1300 मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी यानी नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने किसको प्रस्तावित किया था? तो ये भारत योजना आयोग को ख़त्म करके यानी योजना आयोग का ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। 2015 को नीति आयोग बनाया गया योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन था कौन होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महानवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने 2018 के लिए भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो यानी साई खोम मीराबाई चानू को, 2018 के राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। समोच्च जुताई क्या होता है? तो समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई होता है, यानी समोच्च जुताई मतलब समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। नेक्स्ट, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फोटोट्रोफिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रोफिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ कले के रूप में जाना जाता है। तो किंग ऑफ कले के रूप में राफेल नडाल को जाना जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा। नेक्स्ट, बिलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से था? तो ये वजीद अली शाह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटीकल्चर के द्वारा किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में बोनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। दोस्तों गाँव से हूँ और यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को जितना हो सके, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा जितना हो सके। अपने अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर इस वीडियो को एक बार जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 2 नंबर, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। इंडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंध अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिकी देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नभास वदत्ता किसने लिखा, तो ये भास ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण के कारण यह दूषित हो जाता है, तो ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये दूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत यानी उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आयुष मंत्रालय ने ये CSIR के साथ हस्ताक्षर किया है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होता है, तो हार्ड डिस्क दोस्तों ये द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी हार्ड डिस्क द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। एक पेटाबाइट का नाम बताइए, क्या होता है एक पेटाबाइट बराबर, तो 10^24 TB यानी एक पेटाबाइट बराबर 10^24 TB होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पूर्ण रूप हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट, NaCl और NH2Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के सदस्य के लिए प्रावधान किया गया, तो विधान परिषद के सदस्य के लिए अनुच्छेद 169 यानी 169 में विधान परिषद के सदस्य के लिए प्रावधान किया गया। देखिए क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड केनिंग बना। नेक्स्ट, भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो ये Agni-5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस किस यानी माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, तो ये मेटाफेज का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया, तो ये हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा काकतीय राजवंश का अंत किया गया था। नेक्स्ट, किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है, तो चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस सबसे बड़ा बस टर्मिनस है एशिया का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों का हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो व्यपगत का नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अवरक भंडार है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अवरक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट है, देखिए दोस्तों 19/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिक परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो ये होमी सेठनाथ थे। कौन, तो होमी सेठनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से टेनिस टूर्नामेंट कर्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये रोलैंड गैरोस कर्ले कोर्ट पर खेला जाता है, रोलैंड गैरोस हो जाएगा।
एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो ये शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा संचालित है, तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सूर्य यानी सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री यानी प्रभावती गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरों बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो हड़प्पा सभ्यता का चन्हुद्रो था। कौन, तो चन्हुद्रो ये सभी बनाने में जो कि उत्तीर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन यानी चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था, तो चंद्रयान फर्स्ट का जो कि 2003 में 2013 हो जाएगा दोस्तों, ये 2013 हो जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट 2013 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्गों के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेही, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है, तो NRHB HM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है, तो इस सोडियम कार्बोनेट है जो पानी की कठोरता को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा हो जाएगा। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचमपट माली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है, तो ये बॉक्साइट का विशाल भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीक नाम सोप है किस नाम से जाना जाता है, तो ये मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली का भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में बेबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया, तो एलिफेंटा की गुफा को यानी एलिफेंटा की गुफा को 1987 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो उदयन ने राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को वर्ष 2018 में UN के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी था। नेक्स्ट, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को उसका ज्ञान कराया था जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीद समाप्त हो गई, तो एम आर जयशंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणिक कण की खोज किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना करने के लिए राउरकेला को किया गया था, राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPLADS का क्या है, तो दोस्तों यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की, तो ये चीन शुरुआत किया। नेक्स्ट, अनवान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है, तो अंडमान टील जो है ये स्थानिक प्रजाति का जो कि उदाहरण है, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। कौन सी शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उस रसायन विज्ञान का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया था कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलिव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो हेनरी मोजले ने दोस्तों परमाणु क्रमांक पर अपना जो कि पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो हेनरी मोजले परमाणु क्रमांक पर पीरियोडिक टेबल बनाया था। नेक्स्ट, किसका उपयोग धातु के खंडों में दरार और दोषों का पता लगाने के लिए करते हैं? तो पराध्वनिक का प्रयोग धातु के बीच दरार और दोषों का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। किस भौतिक विज्ञान के सम्मान में ध्वनि के SI मात्रक का नाम दिया गया? तो ध्वनि का SI मात्रक हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज होता है। दोस्तों सीधा आप लोग हर्ट्ज याद रख सकते हैं, ध्वनि का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो IGNOAPS के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु को पेंशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 का शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है दोस्तों, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा? यह तरंग संचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, जो 1917 का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो ये उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित कार्यबलों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए June 2018 में कौन सी वित्तीय समावेश योजना का शुभारंभ किया गया? तो अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहते हैं। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया? तो इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया। होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो सी लिनियस के द्वारा होमो सेपियंस शब्द के दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो लॉस बनोज में स्थित है, मनीला में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ? तो मनीला के लॉस बनोज में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जलमर्मड अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये मैगलन जलमर्मड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए? तो GV मामलंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय वन जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो गिर में एशियाई शेरों का आवास है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पंथेर पंचाली के लेखक, तो पंथेर पंचाली के लेखक दोस्तों विभूति भूषण बंदोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम, तो गेहूं का वनस्पति नाम टिटिकम एस्टिबम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम कौन सी खाड़ी से निकलती है? तो ये मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस लिए दी गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट है जो कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला पहले भारतीय उपग्रह है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन केपलर ने किया, किसने? तो केपलर ने किया। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है तो ब्राज़ील हो जाएगा। टकला माकना मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया? तो डेनिस रिची को दिया गया। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय डेनिस रिची को दिया गया। किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई? तो 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में महात्मा गांधी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में कहाँ हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है? तो ये इसका स्थापना 1923 में वियना में हुआ था। कहाँ? तो 1923 में वियना में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो ये बी आर अम्बेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग की थी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये मलयालम भाषा। लक्षद्वीप के द्वारा अधिकांश बोली जाने वाली भाषा मलयालम भाषा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? तो मेघालय में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। तो ये बंगाली मथाई वनोन्मूलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट, 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत अगर उसका सहयोग नहीं करेगा तो ब्रिटिश शासन स्वयं खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफर करने में सहायता है तो इसरो ने 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो GSAT-31 को प्रक्षेपण किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट बन जाता है। इन पदार्थों का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इन पदार्थों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था? तो ताजमहल को विश्व धरोहर 1983 में घोषित किया था जिसका जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट, यक्षगान जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो चंद्रकांता हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमिसेट को 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह का सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशा में बहती है। तो ये अक्षीय हो जाएगा, नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशा में बहती है तो अक्षीय हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो pH मान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जर्मन रसायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 ईस्वी में तत्वों को त्रिक नियम संबंधित किया था। तो जोहान बल्फोंग डोबेरनियर ने त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी के भाग को वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी को घोषित किया। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम तो त्वरित चूना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा BCG टीकाकरण और TB उपचार को शामिल करते हुए जिला TB सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष में नेशनल TB प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो नेशनल TB प्रोग्राम 1962 को लॉन्च किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 को किया था 1923
23 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिति अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध किया था, तो जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी को दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिति अनुपात सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के तालीपरमा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है, तो राजराजेश्वर मंदिर हो जाएगा जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई, तो 1792 को किया गया। भारत किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षणिक पोर्टल तैयार किया जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वान अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है, तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम साक्षात हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी बोधगया सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जाती है, तो ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार कार्यकारी का या आधार विधिक या संतोषजनक ना होने पर गिरफ्तार व्यक्तियों को उसके समान पेशे किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया, तो मध्य प्रदेश ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया। नेक्स्ट, तेंदु अमलतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक के लेखक, तो राहुल द्रविड़ हो जाएगा द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक के लेखक। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 40 से 50 शिफ्ट का क्वेश्चन देख हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है 21/1/2021 का क्वेश्चन, यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, सभी लुप्तप्राय जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाले पुस्तक कौन है, तो दोस्तों ये रेड डाटा बुक जो कि सभी लुप्तप्राय जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष में पारित की गई, तो ये 1858 को पारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत के द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विद्युत आवरण कहते हैं। कर्नाटक में मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास है, तो मैसूर पैलेस जो है दोस्तों ये वाडिया राजवंश का आधिकारिक निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है, तो ये पेट्रोलियम का परिवहन करती है। नेक्स्ट, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन हरित क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट, कोलकाता में एक बड़ी संख्या मरमर की इमारत है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, जिसकी डिजाइन ताजमहल की प्रतिध्वनि है, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल है, जो कि संगमरमर की बना हुआ विक्टोरिया मेमोरियल है जो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से भारत की कृषि की स्थिति में सुधार पर जोर दिया गया, यह किस वर्ष शुरू हुआ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू हुआ और रूस के ये पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया, कहाँ से, तो रूस से लिया गया। देखिए, तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1790-92 में, दोस्तों 4 मैसूर युद्ध हुआ था जो कि तीसरा 1990-92 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव तो त्रिगवेले थे, यानी त्रिग
त्रिगवेली थी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जी उत्पादकों को विक में किसके द्वारा हटा दिया जाता है, तो नेफ्रोन के द्वारा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई, तो भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वर्ष 2018 में कहाँ से उतरी, तो ये देहरादून से उतरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, तो घुसपैठ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह एक नेविगेशन उपग्रह है, तो ये IRNSS सेकेंड जो कि एक नेविगेशन उपग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय जनसंख्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। उस उद्योग की बताइए जिसमें उत्पादक के घर में माल का उत्पादन होता है, तो लघु उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था, तो भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था जिसमें भारत और पाकिस्तान को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बम्बई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से जुड़े थे, तो ये लॉर्ड रिपन जो कि इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोग के लिए बहुत आवश्यक होने जा रही है, तो ये होमी जे भाभा ने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु जो है बिजली क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उपयोग की जाने वाली है, तो ये होमी जे भाभा ने कहा था, भविष्यवाणी किया था। नेक्स्ट, हिमालय की दूसरी सबसे चोटी है जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व है, ये पूंजीवादी हो जाएगा। नेक्स्ट, 21-21 का निष्कर्ष शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए। प्रथम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन क्षेत्र किसके ऊपर निर्मित होता है, तो एंटार्कटिक के ऊपर निर्मित होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, तो पीली नदी जो है ये हरोंगो नदी जो कि चीन की नदी को हरोंगो नदी कहते हैं, इसी को हम पीली नदी चीन में पीली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो इन गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टर क्या है, दोस्तों एस्टर CH3COCH2S5 जो कि इसका रासायनिक सूत्र CH3COCH2S5 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, तो जीसेट 7A को इसरो ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। भारत में नील क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से नील क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर शब्दावली में DDL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा DDL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सैन्य दल का नेतृत्व किया था, जबकि प्लासी युद्ध 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा था? तो सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन था। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये दक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों का प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो यूनिफा यानी UNFPA मनुष्य प्रजनन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से है। नेक्स्ट, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कामिनी हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोर्कर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शेरा ए अदल की स्थापना किया। नेक्स्ट, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके किसका विरोध कर रहे थे? दोस्तों ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में CPU के कौन कौन से घटक होते हैं? तो CPU का कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी, ये सभी CPU का घटक होते हैं। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन संबंधित है? तो 44वां जो कि संशोधन मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम कंप्यूटर जो था उसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो धर्मपत राय नाम था। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मध्याह्न भोजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, ये मिश्रित कृषि का उदाहरण है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट है 22/1/2021 का, यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो विश्व भारती की स्थापना दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान USSR यानी रूस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? साइक्लोन 30 जो है ये कैंसर रोगियों को सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया? तो टीम बर्नर्स-ली ने 1990 में HTML का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीगन ने भारत के किस शहर में हरुमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया? तो बेंगलोर में किया था। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्तसारणी तत्व किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्तसारणी दोस्तों ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है और इसके प्रतिपादक मोसले ने किया। नेक्स्ट, पंजाब के किस शहर को पहले
रामदासपुर के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब के अमृतसर जो कि पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मतदाता को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो कच्छ की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या जैवनीकरणीय पदार्थ है? तो पौधे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणी खंड और जंगनाष्ठि के मेल से बनता है? नितंब अस्थि, जो कि ये सभी श्रेणी खंड इलियम और जंगनाष्ठि के मेल से बनता है, नितंब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जयपुर में होली के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किस सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो ये साइमन कमीशन के रूप में क्लीमेंट एटली भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन है? तो ऑक्सीन्स पादप हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र इंद्रधनुष किस सरकारी योजना संबंधित है? तो मिश्र इंद्रधनुष बाल टीकाकरण से संबंधित है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ सिख का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान केंद्र जो कि यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहेब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिक के युद्ध स्मारक रूप में किया गया? तो इंडिया गेट का स्थापना विश्व युद्ध में बलिदान दिए जाने वाले सैनिक के सम्मान में किया गया, इंडिया गेट का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुयान के किस क्रम में गुजरना होगा? तो टुंडा, टेगा, समतीतोषण वन और अंत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से गुजरना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? तो पंपोर को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो पंपोर हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थ उन अवांछनीय वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो स्पैम हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करती है? तो अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो क्लोरीन जो कि हरी पीली गैस के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दो नदियां को पट सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जोड़ा गया? तो गोदावरी और कृष्णा को पट सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, यूएन वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो यूएन वर्ल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है? तो ग्रीन गुड्स डीडस जो कि 2018 में शुरू किया गया, जो कि यानी पर्यावरण संबंधित है, तो आंसर ग्रीन गुड्स डीडस हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता? तो इसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो पेटा इंडिया का शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्ग को
और अनिश्चित बाजार स्थितियां के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो ये प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो कि 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र को पेंशन प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र को पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई? तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाला लाजपत राय पर पुलिस चार्ज हुआ और इसी कारण इसका मृत्यु हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक निर्भर नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले वैश्विक पर्यावरण दिवस के रूप में वैश्विक मेजबानी के तौर पर चुना था? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पायोलोरी नामक बैक्टीरिया जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाले अंतिम भारतीय फिल्म, तो ये लगान हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने इस सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की जो संगठन फर्म कंपनी व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो गृह मंत्रालय, जो कि इस सहज नामक वेबसाइट लॉन्च किया, गृह मंत्रालय ने इस सहज नामक वेबसाइट लॉन्च किया। नेक्स्ट, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई, या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो बीबी गिरी था। नेक्स्ट, सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कालाजार नामक रोग होता है। नेक्स्ट, किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की है? तो ये महलवारी प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, ए रहमान 2 ऑस्कर जीते, तो 2009 में ए रहमान 2 ऑस्कर जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम को भारत संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया। नेक्स्ट, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। नेक्स्ट, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस, यानी MS-DOS में कमांड लाइन इंटरफेस होता है। किस शहर में छिपरा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया गया? तो उज्जैन में छिपरा नदी पर कुंभ मेला आयोजन किया गया। पहले सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो ये MySpace पहले सोशल मीडिया साइट MySpace थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों में रत महिला वैज्ञानिक एवं तकनीकी को एक मंच प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा विमेन साइंटिफिक स्कीम, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशन के साथ भारत के पुरानी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो पलासी युद्ध में भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरक्रॉपिंग
प्रक्रिया किसे दर्शाती है? तो पास पास या दो से अधिक फसलें उगाना, इंटरक्रॉपिंग मतलब पास पास या दो से अधिक फसल उगाना, ये इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारडोछम कहाँ का लोकनृत्य है? तो बारडोछम जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। कहाँ की? तो अरुणाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। उस योजना का नाम बताइए जो 1870 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये की जोखिम कवरेज प्रदान करती है। तो ये योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जाएगा, जिसके तहत 1870 वर्ष आयु के वर्ग को यानी दुर्घटना बीमा के तहत जो कि 2 लाख का बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ? तो बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन पुणे शहर में हुआ। नेक्स्ट, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले रंग पड़ जाते हैं, क्योंकि तो आंसर चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो उसे हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं। जो एक लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं मिलती, तो उसे हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त UPU का पूर्ण रूप, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदु उत्तक और श्लेष्मोत्तक किस उत्तक के प्रकार है? तो ये सरल स्थायी उत्तक के प्रकार है। तापीय टोपे उन सेनानायकों में से एक थे उन्होंने कब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो तापीय टोपे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई? तो विक्रम साराभाई के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहते थे? तो परम 8000 पहले सुपर कंप्यूटर को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवार पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो ये भित्ति चित्रकारी मौजूद है। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो 1510 ईस्वी को गोवा पर कब्जा किया गया पुर्तगाली के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महानोबिस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महानोबिस पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व में क्या शामिल है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो कि आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो दोस्तों निब्बल आधा बाइट होता है, निब्बल बराबर आधा बाइट 4 बाइट होता है। नेक्स्ट, फर नामक राजस्थानी चित्रकला से किस चित्रकारी का रूप है? तो फर नामक राजस्थानी चित्रकला ये धार्मिक चित्रकला है, तो आंसर धार्मिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? तो नागपुर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, CSIR का पूर्ण रूप, तो CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो एक ही दिशा में खींचने पर बृहत ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं? तो उस उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाले तकनीकी को ADSL कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में भारत किस शहर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो फैजपुर में 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि संशोधित प्रस्तावना को संशोधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल और सगौन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ है? तो ये साल और सगौन पर्णपाती वन है।
तो आंसर पाते हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम कौन है? तो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम नौका दौड़ है, तो आंसर नौका दौड़ हो जाएगा। सेंधा नमक खनिज नामक क्या है? तो सेंधा नमक एक हेलाइट का खनिज नाम है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है? तो फतेह बुर्ज, यानी भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर फतेह बुर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली ने कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया? तो बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। नेक्स्ट, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो ये आनंदमठ का जो कि हिस्सा है। नेक्स्ट, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। सागा 220 क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो अहमदनगर की चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है तो इसे कौन सा शोषण कहते हैं? तो इसे हम अवाभीय शोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो अंकलेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच भी एक इंटरफेस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 400 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुक्ति भोग विषय विथी और मंडल थे, तो ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। किस बहुद्देशीय परियोजना का नाम निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैसी कंपनी है? तो हेवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ये महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, यानी 1857 के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कब निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? तो निर्वासित करके इसे बर्मा भेज दिया गया। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे संघन जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सौभाग्य योजना जो है भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक, तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा पद्मावत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो कलाम मंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा। तो वंदना नेपाल ने ये 126 घंटा तक नृत्य किया और कलाम मंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि नेपाल की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो ये 0 सदस्य थे, यानी कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ऑडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में भारतीय सेना और किसके संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वर्ष 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में लाया था। नेक्स्ट, मॉडेम किसको जोड़ता है? तो फोन लाइन को मॉडेम जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के 5 में निर्धारित किया गया है। तो न्यूनतम आयु सदस्य के लिए नगर पालिका के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में किस देश के चर्चे यानी होटल और पर्यटन स्थान पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती हमले में बम हमले हुए थे? तो श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय लोकटक झील मणिपुर में किया गया। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क ये द्वितीय स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से
हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। तो हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत उबर के द्वारा किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास, स्टेपस, सबाना और पेरेडिज सभी प्रसिद्ध किसके नाम है? तो ये सभी घास के मैदान के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे यानी रेलवे लेबर क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना का शुरुआत की गई? तो ये सेतु भारतम योजना का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो किस उपकरण का उपयोग यानी एसी को डीसी में करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो दृष्टकारी उपकरण जो होता है वो एसी को डीसी में करता है। नेक्स्ट, निर्भया मिसाइल को मारक सीमा तो 1000 किमी होता है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में कौन सी एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? तो प्लाज्मा में दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। नेक्स्ट, घूमर कहाँ का लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र पाकिस्तान में स्थित है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल में क्या होती है? तो ध्वनि की चाल दोस्तों घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो 1266 से 87 तक बलबन ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना किस ये मौलिक कर्तव्य है जो कि निर्मित है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी उत्पादन गतिविधियाँ CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो ताप विद्युत उत्पादन CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है। किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25/1/2021 का यानी फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, कामठ, नामच वर्मा, गुरला मानता किसके नाम है? तो ये सभी हिमालय की पर्वतीय चोटी के नाम है। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक थे? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के किस कारण सुनाई देती है? तो विवर्तन के कारण सुनाई देती है। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो महावीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष की गई? और यहाँ सभी भारतीय विश्वविद्यालय में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय की प्रदान की गई। तो मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी का शुरुआत 1956 से 1957 में किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संतुलन क्या है? तो ऊष्मा संतुलन पृथ्वी द्वारा अवशोषित अपव्यय ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन होता है। नेक्स्ट, पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो अस्थि बंधन जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी ILO का मुख्यालय तो जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के तहत भूकंपों को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग करते हैं? तो डेसिबल का उपयोग करते हैं। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त समाज की बागडोर किसने संभाली? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त समाज की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक था? तो सांची स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक था। नेक्स्ट, कठियावाड़
प्रायद्वीप भारत किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो ये राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौतस पर्वत भारत किस भाग में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये DRDO के और बार के द्वारा विकसित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। नेक्स्ट, प्लेटो ग्रह की खोज किसने किया? तो क्लाइड टॉम बाग ने प्लेटो ग्रह की खोज किया था 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो बीजांश के माध्यम से बच्चा अपना पोषण प्राप्त करता है। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल 1 फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ भेजा गया? तो एयरमेल इलाहाबाद से नैनो के बीच भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप? तो IDN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की से हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर में स्थित है। नेक्स्ट, NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको नैनो मिशन भी कहते हैं की शुरुआत कब की गई? तो नैनो साइंस की शुरुआत वर्ष 2007 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है 25/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं, किसने 1867 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में भारत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया गन्ना यानी 20 रुपया जारी किया था। कितना? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने 1867 को 20 रुपया जारी किया था। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, यानी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देगा बैंक दर उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन वस्तु कलाकृति है? तो ये मुगल की कलाकृति है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो ये संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश को एक समूह का पालन करते हैं, इन निर्देशों को सामान्य नाम क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंध है? तो ये न्यायिक स्वतंत्रता यानी भारतीय न्यायपालिका जो है न्यायिक स्वतंत्रता संबंधित है। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टेटिक्स का 13वां संस्करण के अनुसार भारत सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य? तो गुजरात सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कोमागाटामारू घटना किससे संबंधित है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट, बैगन का एक अनुवांशिकी संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो कीट प्रतिरोधी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलदल एवं धान की खेती में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो मीथेन उत्सर्जित होता है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 ईस्वी में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाली आयोग की अध्यक्षता किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने अध्यक्षता किया था। बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट, सरकारी अनिहर्ता कितनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 22 फसल को MSP के तहत घोषणा करती है।
कितने फसल, तो 22 फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है, तो अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट, कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन होता है, तो महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, कौन, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो आवर्त सारणी का आविष्कार नमित्र यानी मेंडलीफ ने किया, किसने, तो मेंडलीफ ने किया। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, तो अग्नि 5 हो जाएगा। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था, तो ये दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य दिवस राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई, तो 2008 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम को शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराजा के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, तो जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने भेजा था। नेक्स्ट, विद्यापतकाल का संबंध यानी विद्यापतकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस बार शुरू किया गया, तो नमक सत्याग्रह दोस्तों ये 1930 ईस्वी को शुरू किया गया, कितने ईस्वी को, तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है वो 27/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल कितने रुपये मूल्य पर उपलब्ध है, तो चावल 3 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर उपलब्ध है। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किसने किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों को समन्वय करता है, तो कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू के सभी कार्यों का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम दिया गया था, जिसका परीक्षण 15 अप्रैल 2019 को हुआ था, तो निर्भय नाम दिया गया। नेक्स्ट, सालका और शंकु कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये आँख में पाई जाती है। नेक्स्ट, यानी चल जोड़ी पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाली स्नेहन द्रव को क्या कहते हैं, तो स्नेहन द्रव को साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, क्या, तो साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई गई, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में की गई। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। स्पैम तो अवांछनीय ईमेल होता है, और स्पैम जो कि अवांछनीय ईमेल होता है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार जो कि कहाँ से थे, तो इस अंतिम सरकार जो कि दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे, तो ये सिंगापुर में थे, यानी जब सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा हुआ है, क्वेश्चन है लिखना चाहिए स्वतंत्र भारत के समय यानी स्वतंत्र सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, जब स्वतंत्र भारत के समय सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, तो सिंगापुर में थे। तो कौशल अंग काशी और वजी ये सभी 16 महाजनपद का भाग है। किस जानवर का हृदय 3 कक्षीय होता है, तो सेलामेंडोर का हृदय 3 कक्षीय होता है। कौन सा वायु प्रदूषक कालिक के रूप में जाना जाता है, तो वायु प्रदूषक के रूप में कणिका तत्व को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कहाँ बनाया गया, तो ये वस्तुकला की नागरशैली में लिंगराज मंदिर नागरशैली में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जंगल में बांस संती साल स्प्रूस और सीसा महल पाए जाते हैं, तो ये समशीतोष्ण पर्णपाती में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था, तो ये छक्कल यानी छगताई भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट, भारत में वायु अधिनियम कब पेश किया गया, तो वायु अधिनियम 1981 को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार द कोलंबियन यूनिवर्सिटी यानी USA यानी अमेरिका द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवर की संख्या पहली बार घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया, दोस्तों 60 वर्ष से 50 वर्ष किस वर्ष किया गया, तो 1987 को यानी 1987 को 60 वर्ष से 50 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, रूबी रतन की रासायनिक संरचना है, तो अल्मोनियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट,
जो फालस भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे ऊंचे जलप्रपात गर्सप्पा फालस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर शब्दावली में ALU तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन शक्ति संबंधित है, तो भारत का एक एंटी सैटेलाइट हथियार का पहला परीक्षण जो कि मिशन शक्ति संबंधित है। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है, तो सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन प्रायद्वीप पठार हो जाएगा। CRY एक ऐसा संगठन है जो काम करता है, जो कि बाल अधिकार का संरक्षण के लिए काम करता है। संपत्ति का अधिकार एक देश है, दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों नेक्स्ट शिप जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग के लिए नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा वो 3 से 4 घंटे का बनेगा। अगर आप लोग ये पार्ट ज़्यादा शेयर करते हैं और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कितने घंटे का होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं जितने भी दोस्त इस वीडियो को नए हैं यानी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को हर दिन साइंस का क्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा और करेंट अफेयर्स भी मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप लोग को साइंस और करेंट अफेयर्स का क्यूज डेली मिलने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।